प्रभु मसीह के नाम में फिर से एक बार प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आद की आशीष दे, आमेन, हालेलुया। पढ़ा हुआ भजन की ओर अपने ध्यान को लेकर चलते हैं। साम नंबर 142 की ओर चलेंगे, भजन 142 की ओर अपनी दृष्टि को लेकर चलेंगे। साम नंबर 142, भजन 142, जिसे मैं एक बार पढ़ता हूं, फिर उसके बाद हम सब लोग इसके विवरण में जाएंगे। अपनी अपनी भाषा में आप लोग पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मेरे साथ में इन बातों को आप गौर कर सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने शोक की बातें उसे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। जब मेरी आत्मा मेरी भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं दिखता है। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रहा, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आए, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। गीत करके इन शब्दों को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, एक प्रार्थना के रूप में, एक गीत के रूप में और एक प्रार्थना के रूप में इसे लिखा गया है। और इसे अपने मन को खोलकर, अपने मन को खोलकर उनके सामने रखता हुआ हम लोग देखते हैं। परमेश्वर के सामने अपने मन को सिद्ध करते हुए परमेश्वर के सामने जाकर बताना। दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला है, परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर को पहचान कर, उनके मन के अनुसार चलने वाला प्रभु के वचन कहता है। दाऊद ने जो ये लेख लिखी है, इनके बातों को जब हम लोग सुनते हैं, मानो ऐसा लगता है कि जैसे इनके सामने कोई बैठे हुए हैं, इनके सामने कोई बैठे हैं और उनके सामने जाकर अपने मन को खोलकर सब कुछ विवरण दे रहे हैं। परमेश्वर के पास हमें भी इसी प्रकार से जाना है। आपके मित्र के पास किस प्रकार आप जाकर अपने मन को खोलकर पूर्ण मन के साथ में जैसे बातें करते हैं, अगर आपका मन हल्का नहीं है, आपका मन भारी है, तो अपने मित्र के पास जाकर आप बताते हैं। आपको अगर कोई दुख हुआ है, उनसे बांट लेते हैं। कोई संकट में आप पड़ गए हैं, उनसे बताते हैं। कोई आवश्यकता है तो उनसे बताते हैं। अगर आप ऐसे मित्रता का, एक स्नेह का अनुभव अगर परिवार में रखते हैं, एक दूसरे के साथ खुले मन से जब बातें करते हैं, तो वैसे ही परमेश्वर के सामने भी जब जाएं, तो उनके सामने पूरी बातें रखना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, एक बार गौर करके देखिए, हम जब परमेश्वर के सानिध्य में जाते हैं, या फिर हम प्रार्थना करते समय जो उनसे बातें करते हैं, हमें कोई आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं को ही उनके सामने लेकर गए हैं। हमारे कष्ट हैं, कष्टों को ही उनके सामने लेकर गए हैं। हमारे तकलीफें हैं, उनके सामने लेकर गए हैं। हमारी बाधाओं को उनके सामने लेकर गया है। बस उसे बता दिया, उसे बताने के बाद आमेन बोल दिया, खत्म कर दिया, अपने धुन में हम लोग चले जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के मन को जानकर, परमेश्वर के मन को पहचान कर जो चलता है, वो केवल प्रार्थना में ही उनसे बात नहीं करता है, परंतु निरंतर उनसे बातें करते रहता है। वो जहां कहीं भी क्यों ना बैठे, वो जो कुछ भी काम क्यों ना करते रहे, हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, वो परमेश्वर से बातें करते रहता है।
कोई कष्ट आ गया तो भी बताता है, कोई नष्ट आ गया तो भी बताता है, मन खेदित हो गया तो भी बताता जाके प्रभु मेरा मन इस कारण से खेदित है। अगर उसने कोई अपराध किया है तो खुले मन के साथ, सच्चे मन के साथ प्रभु के पास जाकर प्रभु से कह देता है कि प्रभु मेरे इस कारण से अपराध हुआ है। कभी कभी हम जब प्रभु के पास हिसाब देने के लिए नहीं जाते हैं, हम जब प्रभु के पास निरंतर इस प्रकार से हिसाब देने के लिए नहीं जाते हैं तो कोई ऐसी भयंकर विपत्ति आ जाती है, कोई ऐसी खतरनाक समस्या आ जाती है, घातक समस्या आ जाती है, जिसमें जब हम पड़ जाते हैं तब कुछ सब लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है, प्रभु क्या कारण है कि मैं आज इस प्रकार से परेशान हूं, प्रभु क्या कारण है कि आज मैं इस प्रकार से रोगी और बीमार पड़ चुका हूं, प्रभु कारण क्या है, मेरे कष्ट बढ़ चुके, मेरे नष्ट बढ़ चुके हैं, क्या कारण है परमेश्वर मेरे पैसे रुक चुके हैं, मेरी आमदनी घट चुकी है, क्या कारण है परमेश्वर मेरी नौकरी गई है, मेरा कारोबार बंद हुआ है, क्या कारण है परमेश्वर मेरे बच्चे बीमार पड़ गए, क्या कारण है परमेश्वर मेरे परिवार में इतनी दुख है, दर्द है। हम परमेश्वर के पास जाकर उस समय हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं, दुखों में, कष्टों में, बीमारी में, संकट में, नष्ट में, क्लेश में जाकर हम परमेश्वर के पास तब हिसाब निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, एकमात्र ऐसा परमेश्वर का भक्त यहाँ पर नजर आता है। और भी भक्त लोग हैं लेकिन मैं इनके बारे में अधिक बताता हूँ क्योंकि इनके लिखे हुए भजन बहुत सारे हैं। कितने खुले मन के साथ में जाकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में जाकर, परमेश्वर के सामने जाकर सब बातें बताते हैं, गलती हो गया तो जाकर परमेश्वर से बताते हैं, कष्ट हो गया तो भी परमेश्वर से बताते हैं, नष्ट हो गया तो भी बताते हैं जाकर, ये सब छोड़कर परमेश्वर से बातें करना शुरू करते हैं। इस वचन की ओर हम लोग जब चलते हैं, एक एक विषय को बताते हैं। रास्ते में जब मैं जा रहा था प्रभु ऐसा मेरे साथ हुआ, प्रभु मैं जब सो रहा था मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं जब जाग रहा था मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्रभु मैं उस दिन यहां से होकर जा रहा था मेरे साथ ऐसा, एक एक विवरण बताते हैं। मानो ऐसा बताते हैं जैसे कि एक किताब और कलम को लिए है और जाते जाते सब कुछ, जो कुछ भी देख रहे, जो कुछ भी कर रहे, सुन रहे, बोल रहे, सब लिखते जा रहे। इन्हीं बातों को देखते हैं कि दाऊद आमने सामने बैठता है, मूसा परमेश्वर के आमने सामने बैठते हैं जाकर, मूसा की बातें जब देखते हैं परमेश्वर के साथ में, कितनी धैर्य के साथ, कितनी साहस के साथ और कितनी स्वेच्छा के साथ, हम स्वतंत्रता कह सकते हैं इसे, इतनी आजादी परमेश्वर के साथ उनकी है कि परमेश्वर का मन बदलने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। आप जो कर रहे परमेश्वर वो सही नहीं है। मूसा इतनी साहस में चले जाते हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। यिर्मयाह नबी इससे भी और आगे चले जाते हैं। यिर्मयाह नबी से परमेश्वर कहते हैं, यिर्मयाह आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हो वे प्रार्थना के योग्य नहीं है, ये इतने हटीले लोग हैं, इतने कठोर लोग हैं, इतने मूर्ख लोग हैं, इनके लिए प्रार्थना मत करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। लेकिन यिर्मयाह की जब जिंदगी को देखते हैं, यिर्मयाह ने अपने भविष्यवाणी के दिनों को जैसे संभाला है, तब से लेकर बंदी गृह में ही उन्होंने अधिक समय बिताया है, अधिक समय परमेश्वर के लिए बंदी गृह में जाते हैं, राजा के सामने खड़े होना पड़ता है, बंदी गृह में डाल दिया जाता है, दलदल के बीच में से जिस प्रकार से वो पुकार पुकार कर परमेश्वर की भविष्यवाणी को दिया करते हैं। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह प्रार्थना मत करने इनके लिए, लेकिन यिर्मयाह उनके लिए फिर से प्रार्थना करता है, यिर्मयाह उनके लिए फिर से प्रार्थना करता है। हर एक विषय को प्रभु के पास लेकर जाना। मैं एक छोटी बात बताता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, भले आपको ये थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन एक अनुभव जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम अपने खुले मन के साथ प्रभु के सामने जाएं। एक व्यक्ति बहुत बीमार हो गए थे, और मुझे उनके लिए प्रार्थना करना था। उस व्यक्ति के कारण मेरा मन बहुत खेदित हुआ है, उस व्यक्ति के कारण मेरा मन बहुत दुखी हुआ था। मैं एक दिन प्रार्थना करने का मन को नहीं ले पाया,
मैं मन में कर रहा था, लेकिन मैं सच्चे मन से, खुले मन से उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। मैंने तो प्रभु से कहा, प्रभु यिर्मयाह को आपने मुझे स्मरण दिलाया है। यिर्मयाह दुखों में रहते हुए, अपमान में रहते हुए, बंदीगृह में रहते हुए उनके लिए प्रार्थना करता है जिनके लिए आपने प्रार्थना करने के लिए मन मना किया था। मैंने सच्चे दिल से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया और इससे बढ़कर मैंने क्या कहा, प्रभु आपका वचन कहता है कि मुझे हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन मेरा मन का दुख आज इतना बढ़ चुका है कि वो आगे पार होकर मुझे प्रार्थना करने के लिए मेरे पाँव में बेड़ियों को डाल दिया है। आज इसे तोड़ दे परमेश्वर, मेरा मन इसके आगे किसी भी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनी है, खुदा ने प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर ने अद्भुत काम भी किया है। मैं इसलिए आपको यह बात बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के पास हम लोग जब जाते हैं, हमारी अपराधों को, हमारी गलतियों को खुले मन से उनके सामने रखना है, हमारे मन को खोलकर उनके सामने रखना है। जाकर लिस्ट लेकर, लिस्ट कैसे लेकर जाते हैं आप? सुपरमार्केट में जाते हैं, लिस्ट लेकर जाते हैं, या किराना दुकान में जाते हैं, बोलते हैं हाँ 50 किलो चावल दे देना, 20 किलो गेहूं दे देना, 5 किलो शक्कर दे देना, 10 किलो चीनी ये तेल दे देना, दाल दे देना, ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, ये देना, और कुछ और कुछ और कुछ, दुकान वाला पूछता और कुछ। हमारे प्रभु के पास भी हम लोग लिस्ट लेकर जाते हैं, प्रभु बेटा बेटी मैं घर परिवार नौकरी ये वो लिस्ट बताकर। तो प्रार्थना ये नहीं होता है, प्रार्थना वो होता है जो आप 2400 घंटे परमेश्वर के साथ में बातें जो करते हैं। आपको 2400 घंटे निरंतर परमेश्वर से बातें करना है। आप कुछ भी काम क्यों ना करते रहे, आपके दिमाग में पीछे परमेश्वर चलते फिरते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। आप कैसी भी अनुभव में क्यों ना चाहे, वो खुदावंत आपके मस्तिष्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो खुदावंत आपके दिमाग से, आपके सोच से बाहर नहीं जाना चाहिए। पौलुस को भी मैं एक बार याद दिला दूंगा आपको, संत पौलुस परमेश्वर की गवाही के कारण प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के प्रचार करने के इस अपराध में उन्हें बंदीगृह में डाल दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जगह जगह उन्हें नाव की यात्रा में समुद्र में लेकर जाते हैं ताकि उनके कैसर के सामने पेश करें, सम्राट के सामने पेश करें, और सम्राट इनका मुकदमा को सुने और सम्राट इनका फैसला करे, कैसर इनका फैसला करे कि सम्राट की पौलुस तू जो कर रहा वो गलत है, तुझे मैं मृत्यु का दंड दूं, इसलिए उन्हें यहां वहां घुमा रहे थे। जब कभी भी जहां कहीं भी गए हैं, अधिक समय बंदीगृह में से पौलुस ने कभी अपनी हालत को नहीं देखा है। लिखते हैं मैं बंधनों में हूं बोलकर लिखते हैं कलीसियाओं को, अपने पुत्र तिमोथियस को भी जब लिखते हैं मैं बंधनों में हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के खातिर मैं बंधनों में बंधा गया हूं, लेकिन मेरा आनंद बड़ा है, मेरा आनंद बड़ा है। उसी आनंद के विषय में पौलुस जब लिखते हैं, उन्होंने कलीसिया को याद किया है, कलीसिया को याद किया, कलीसिया को जब याद करते हैं उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में हमेशा एक ही ध्यान चलते रहता है, और वो एक ही ध्यान है परमेश्वर, 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 और कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनका ख्याल पूरा परमेश्वर ही है। जैसे एक शब्द में कहा जाए तो इसे परमेश्वर उनके रग रग में बसा हुआ है। परमेश्वर के भक्तों को देखते हैं, यशायाह नबी को देखते हैं, आसान की जिंदगी नहीं थी उनकी। यिर्मयाह नबी को देखते हैं, आसान की जिंदगी नहीं थी उनकी। यहेजकेल नबी के पास जाते हैं और बहुत ही मानो ऐसा लगता है कि परमेश्वर यहेजकेल को एक खाई के पास लेकर आकर, सूखी हड्डियों के सामने ले जाकर, लगता है कि मजाक कर रहे हैं उनके साथ में, कहते हैं मनुष्य के पुत्र क्या तू भविष्यवाणी कर सकता है, क्या हो सकता है कि ये जो सूखी हड्डियां है ये वापस इसमें जान आए। यिर्मयाह ने यहेजकेल नबी कहता है कि प्रभु आप ही जानते हैं, बड़े संकट में पड़ गए थे, सूखी हड्डियों के सामने ले जाकर वहां पर भविष्यवाणी करवाने के लिए कहते हैं, और यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर वहां पर भविष्यवाणी करवाते हैं, सूखी हड्डियों में जान आ जाती है। दानियल को देखते हैं, आसान सा जिंदगी नहीं था। शद्रक मेशक अबेदनगो आसान जिंदगी नहीं था। पतरस की जिंदगी आसान नहीं थी। योहन्ना की जिंदगी आसान नहीं थी, जिन्हें हम लोग हर रोज शाम को याद कर रहे हैं, पत्मस की टापू में योहन्ना अपनी सजा को काट रहे हैं।
परमेश्वर के भक्तों के जीवन को देखते हैं, सबसे बड़ा एक मजाक इस प्रकार से लिखता है, इस प्रकार से नजर आता है कि सूखी जगह पर 120 वर्ष जहां पर एक बूंद बरसात कर नहीं हो, उस जगह पर परमेश्वर नूह से कहते हैं, नूह प्रलय आएगी, प्रलय आएगी, प्रलय आएगी, तो नाव को बना। हर कोई आते हैं, देखते हैं नूह क्या कर रहा है, जल प्रलय आने वाले हैं, एक बूंद बरसात का नहीं हुआ, जल प्रलय की बात हो रही है। लेकिन नूह अपने विश्वास को नहीं छोड़े हैं, परमेश्वर जो उनके सामने आकर उनसे बातें की है, उनका भरोसा करते हैं। 120 वर्षों के बाद में जो बरसात आती है, बाढ़ का रूप लेती है, प्रलय का रूप लेती है, सारा संसार उसमें डूब जाता है। इन भक्तों के जीवनों को देखते हैं, ये भक्त परमेश्वर के पास जाकर आमने सामने बातें करते हैं। गलतियां हमसे होती हैं तो प्रभु के पास जाकर कहना कि प्रभु ये गलती आज मुझसे हो गई है। हम गलतियों को प्रभु के पास नहीं लेकर जाते, खुले मन साफ मन के साथ। आप जानते मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिनका मन साफ है, बिलोर के समान जिनका मन साफ नजर आता है, वही लोग परमेश्वर को देख पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हमारी प्रयास, हमारी मेहनत किसके लिए है? हम दिन रात प्रयास क्यों करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की अध्ययन क्यों करते हैं? उनका मनन क्यों करते हैं? उनके अनुसरण क्यों करते हैं? और हम प्रार्थना उपवास क्यों करते हैं? आराधना क्यों करते हैं? और प्रभु के याचक होकर हम आपके लिए इतनी याचनाएं क्यों करते हैं? कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में आपको सिद्ध करके उनकी महिमा में लेकर चले। प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं हम, उस परमेश्वर को देखते हैं नए यरूशलेम में, किस प्रकार भी नजर आते हैं। सूरज की आवश्यकता नहीं है सारे विश्व के लिए, सारे विश्व के लिए परमेश्वर की रोशनी काफी है। इतने तेजों में परमेश्वर के सामने उनसे बातें करना है, हमें भी उतने तेज में प्रवेश करना है, और यही काम यीशु के बादलों के ऊपर आते समय होगा। हमें भी प्रभु यीशु मसीह रूपांतरित करेंगे, अविनाशी शरीर में बदल कर हमारी तेज को भी उतनी बढ़ा देंगे, हमारी प्रकाश को भी उतनी महान कर देंगे। परमेश्वर तुम जगत की ज्योति हो, इस ज्योति को परमेश्वर उजाला से, रोशनी से, प्रकाश से भर देंगे। इसलिए परमेश्वर के सानिध्य में हमें इस तरह की जीवन को बिताना है जैसे कि हम परमेश्वर के साथ आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। परमेश्वर के एक वचन है, क्या कहता है वो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। मैंने कई बार आपसे बताया था इसको इस प्रकार के नजरिया से देखना, मानो एक पिता अपने बच्चे की हाथ पकड़कर चला रहा है, और ये पिता अपने बच्चे की हाथ को छोड़ नहीं रहा है, उसे पकड़कर ही चला रहा है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे हाथ को भी पकड़कर चलाते रहते हैं। दाऊद के विषय में जब मैं कह रहा था, दाऊद अपने मन के विषय में सारी बातें बताते हैं। देखते हैं इन वचनों की ओर, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने शोक की बातें उसे खोल कर कहता, अपने शोक की बातें मैं उसे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। अब परमेश्वर के पास जाते हैं, पहले दो वचन जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है, ये गवाही के रूप में लिखा है, पहले दो वचन जो उन्होंने प्रार्थना किया था और जिस तरह परमेश्वर के सामने उन्होंने बताया है, वैसे ही अभी लिखकर हमारे लिए बताते हैं कि मैं परमेश्वर के सामने जाकर इस तरह से दुहाई दिया, मैं परमेश्वर के सामने जाकर इस तरह से मैं गिड़गिड़ाया। मेरी शोक की बातें थी, बहुत संकट में थे। हम जानते कि किस प्रकार के संकट में राजा दाऊद पड़ जाते हैं। दो संकट उनके सबसे बड़े संकट थे। सबसे पहला संकट उनका यह था, जिनकी जान बचाकर, जिनको चंगाई का कारण बनकर, जिनकी जीवन दान देकर, जिन्हें सिंहासन पर वापस तंदुरुस्ती के साथ बिठाया, वही व्यक्ति भाला लेकर दाऊद को छेदने की कोशिश करता है। हम शाऊल की बात कर रहे हैं। शाऊल को कहां कहां से बचाया था दाऊद ने? सबसे पहले शाऊल को गोलियात के हाथों से मरने से बचाया। अगर दाऊद उस दिन वहां पर नहीं पहुंचते, दाऊद साहस करके अपनी वीरता को दिखाते, परमेश्वर के ऊपर
भरोसे को दिखाते हुए, अगर गोलियात का सामना करने के लिए नहीं चाहते, अब गोलियात वहां से यहां आ जाता। गोलियात की सारी सेना, फलिस्ती सब वहां से यहां पर आ जाते। राजा डर कर अपने डेरे में बैठा हुआ है। अब ये राजा किस प्रकार से जाएगा? अपनी प्राण को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर उस दिन दाऊद नहीं जाते, राजा शाऊल खत्म हो गया होता। राजा शाऊल को दाऊद के हाथ जरिए परमेश्वर ने जीवन दान प्रदान किया। दूसरी बात, जब यही काम खत्म होकर, जब यही जश्न के साथ में सब लोगों ने देखा कि इसराइल का छुटकारा हुआ है, उनके राजा को भी छुटकारा मिली है, उनके देश में एक पराक्रमी आया है, राजा के गीत गा रहे थे, दाऊद के भी गीत गा रहे थे, जश्न के साथ में वे लोग जब अपने नगर में प्रवेश कर रहे थे, शाऊल ने हजारों को अगर मारा है तो दाऊद ने 10,000 को मारा है। शाऊल भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे। शाऊल ने भी उनके अंदर भी कोई कम पराक्रम नहीं थी। उनकी युद्धों के भी बारे में जानते हैं हम लोग। इसलिए लोग कहते हैं शाऊल ने अगर हजारों को मारा है तो दाऊद ने उससे बढ़कर 10,000 को मारा है। ये गीत जब गा रहे थे, जब दाऊद की बड़ाई होने लगी वहां पर, उनकी प्रशंसा होने लगी थी, इनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो चुकी है। ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण अभी दुष्ट आत्मा इनके अंदर प्रवेश हो चुकी है। दुष्ट आत्मा एक कारण था जहां शाऊल अपने जो जिम्मेदारी उनको जो कार्य उनको नहीं करना था उसे उन्होंने किया। शमूएल का भाग को उन्होंने लेकर उनको किया था। दूसरा, प्रजा से वे डर चुके थे, इसलिए शमूएल के आने तक इंतजार वो नहीं किए थे। और दूसरा कारण, उसको बल देने वाला कारण क्या था कि दाऊद की प्रशंसा हो रही थी। ईर्ष्या, जलन, नफरत, ये सब दुष्टात्माएं ये मनुष्य के भीतर इस प्रकार से अगर काबू कर लेते हैं, एहसास नहीं होने देते मनुष्य को कि वो सच में जलन रखता है। किसी मनुष्य आप जाकर बोले कि आप बहुत जलसी मनुष्य हैं, आप बहुत ईर्ष्या रखते हैं, कभी वो स्वीकार नहीं करेगा। आप बहुत ही घमंडी है, वो स्वीकार नहीं करेगा। आप अहंकारी, वो स्वीकार नहीं करेगा। इनके अंदर की जो ईर्ष्या है वो दिखाई नहीं पड़ता है, जो घमंड दिखाई नहीं पड़ता है, जो जलन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों को बराबर दिखाई पड़ता है। शाऊल के अंदर जो नफरत पैदा हो चुकी थी, जो जलन ईर्ष्या पैदा हो चुकी थी, दुष्टात्मा ने जिस प्रकार से उनके अंदर काबू किया था, उस समय दाऊद को बुलाया गया था ताकि वह वीणा और सारंगी बजाए, जिसके कारण से दुष्टात्मा बाहर निकल जाए, शाऊल को फिर से तंदुरुस्ती मिल जाए। शाऊल की जान बचाने के लिए, उन्हें आरोग्य देने के लिए, उन्हें तंदुरुस्ती देने के लिए दाऊद ने बहुत कोशिश किया है। लेकिन जैसे दुष्टात्मा बाहर निकालने की कोशिश दाऊद करते हैं, अब यहां पर अपना भाला निकालकर दाऊद को मारने की कोशिश करते हैं। इतना गुस्सा, इतना क्रोध और उनके अंदर इतनी बल सामर्थ्य थी कि वो कहते हैं, मैं दाऊद को दीवार से, मैं भाले से मारने वाला था, मैं इस तरह से भाला फेंकने वाला था कि वो दीवार में जाकर दीवार में घुस जाए। इतना गुस्सा, इतनी भयंकर ईर्ष्या, इतनी भयंकर जलन, ऐसे हालातों में से उनको छुड़ाकर लेकर आते हैं। तो दाऊद का सबसे पहला दुश्मन है उनका अपना ससुर और उन जो इसराइल का सबसे पहला राजा शाऊल है। इनके दूसरे दुश्मन कौन है? इनके दूसरे दुश्मन इनके अपना बेटा अबशलोम बन जाता है। दाऊद वैसे ही आसपास के देश के लोगों को इस तरह से डरा देता है, उनका नाम सुनते ही लोग डरते हैं, कांप उठते हैं। दाऊद के नाम सुनते ही स्तंभ हो जाते हैं लोग। हम नाबाल को देखते किस प्रकार से वो स्तंभ हो चुका था, कैसे दाऊद का नाम सुनते ही वो स्तंभ होकर मर चुका था। 10 दिन के भीतर उसकी प्राण उसमें से निकल गई थी। इतने पराक्रमी, पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य उनके दुश्मन तो थे ही नहीं, क्योंकि उनको वो इतने बड़े दुश्मन के रूप में देखते नहीं थे। किसे देखा है, कौन है इनका दुश्मन? अपने घर के अंदर है। एक इनके राजा शाऊल है, तो दूसरा इनका अपना बेटा है
जो अब शालोम है। दोनों को ही देखते हैं, शाउल राज सिंहासन को छोड़ नहीं रहा है, खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने उनकी अंदर की अभिषेक को हटा दिया है। अब राजा शाउल राजा नहीं रहे हैं। शमूएल से कहा है जाकर तुम दाऊद को अभिषेक कर देना। दाऊद को अभिषेक कर दिया गया है, सिंहासन के ऊपर बैठने का अभिषेक हो चुका है, लेकिन अभी तक सिंहासन पर दाऊद नहीं बैठे हैं। कारण क्या है? शाउल सिंहासन को खाली नहीं कर रहे हैं और दाऊद वैसे सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए इतने उत्सुक भी नहीं थे। दाऊद ने ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं रचा है ताकि जाकर धोखे से सिंहासन के ऊपर बैठे। दाऊद की एक ही कोशिश थी और वो कोशिश यह है अपने राज्य को शत्रुओं से बचाए रखे, अपने राज्य को सुरक्षित संभाले रखे, अपने राज्य में खुशहाली को लेकर आए, अपनी प्रजा की रखवाली करे, उनको सुरक्षा दे, उनको प्रावधानों को लेकर, इतनी उनकी चाहत थी, बस और कुछ नहीं था। और दूसरा जो है, दाऊद को सिंहासन से हटाने की कोशिश कर रहा है। एक शाउल जो दाऊद को सिंहासन पर बैठने नहीं दे रहा था, वो सिंहासन को खाली नहीं कर रहा था। दूसरा उनका अपना बेटा है अबशलोम, जो जबरदस्ती धोखे से षड्यंत्र से अपने पिता के सिंहासन को छीन लेता है। अब इन दोनों से ही अपनी जान को बचाकर प्राण को बचाकर दाऊद गुफाओं में छुपा छुपा करता था, जंगलों में गुफाओं में जाकर छुप जाता था, अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए वहां चला जाता था। अब ऐसे समय में उन्होंने जो अनुभव को प्राप्त किया है, वहां पर जो पीड़ा देखी है, दुख देखी है, दर्द उन्होंने जो देखा है, वहां पर जो संकटों को उन्होंने सामना किया है, अपना मन का शोक, अपनी मन की व्यथाएं, अपनी मन की सारी बातों को खुले रूप से परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं। इन्हीं बातों को गवाही के रूप में कहते हैं, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने शोक की बातें उसे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है। चौथा वचन में मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं अपनी दाहिनी ओर देखने लगा, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा है, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही है, ना मुझे कोई पूछता है, मेरे नगर में मुझे पूछने वाला कोई नहीं रहा, मेरे राज्य में मुझे पूछने वाला कोई नहीं रहा है, मेरी मदद के लिए मैं किसी की ओर ताकने की कोशिश करता हूं, मुझे दिखाई पड़ने वाला कोई नहीं है, मैं शोक में पड़ा हुआ हूं, मैं संकट में पड़ा हुआ हूं। हे यहोवा, तब मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू ही मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थ्य हैं। जब मैंने दाहिनी ओर देखा था मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा, मेरा शरण कहीं नहीं रहा है, लेकिन मुझे कोई पूछने वाला कोई है ही नहीं, परंतु प्रभु मैंने जब आपकी दुहाई दी, आप मेरा शरण स्थान बन गए हैं, आप मेरे शरण स्थान बन गए हैं। इसका मतलब है परमेश्वर अपनी महिमा को उनके चारों ओर लेकर आए हैं, जहां वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर पाए। मैंने कई बार आपसे गवाही बताई थी, मैं ठंड के इलाके में जहां पर माइनस डिग्री की तापमान होती है, वहां पर मैं छोटी सी चादर को कंबल को ओढ़े हुए एक चटाई को मैं अपना बिस्तर बनाकर, न्यूज़पेपर को अपना गद्दी बनाकर, मैं किस प्रकार मैं मेरे किताबों को मैं अपने तकिया बनाकर सोया करता था। उस समय जो मैं जमीन में लेटा करता था, मैं एक ही प्रार्थना करता, प्रभु ये पतला सा कंबल वैसे कुछ भी काम का नहीं है, गर्मियों में भी ये मेरे लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन प्रभु आपकी उपस्थिति से मुझे ऐसी गर्माहट दीजिए ताकि मैं चैन से सो जाऊं, मैं खर्राटे लेते हुए चैन विश्राम के साथ में सोया करता। परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना करता था, उनकी सान्निध्य मेरे चारों ओर देखता था। परमेश्वर के सामने जब मनुष्य जाकर दुहाई देता है,
उनके सानिध्य को उनके सामने देखना चाहिए। परमेश्वर के साथ आपका अनुभव आमने सामने होना चाहिए, परमेश्वर के साथ आपका अनुभव आपके करीब होना चाहिए, आपको चारों परमेश्वर ढक कर आपको घेरे रहना चाहिए। यही कहता है कि मुझे कोई शरण तो नहीं मिला था, लेकिन प्रभु आप मेरे शरण स्थान बने हैं। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं वे मुझसे भी अधिक सामर्थी हैं, मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं, मुझे संकट से छुड़ा ले ताकि मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, उसके बाद धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे। किस लिए आएंगे? क्योंकि तेरा उपकार, तू मेरा उपकार करता है। परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना को, एक गवाही को अपने मन को खोल कर रखते हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, परमेश्वर के सानिध्य में आमने सामने निरंतर अपने मन को खोल कर उनसे बातें करते रहिए। इससे बड़ा आनंद दूसरा कुछ नहीं है। आपके मन को जानने वाला, आपके जीवन को जानने वाला, वर्तमान को जानने वाला, भविष्य को भी जानने वाला उस परमेश्वर, भविष्य को न केवल जानते हैं परंतु आपका भविष्य को बनाने वाले उस परमेश्वर के हाथों में आइए अपने आप को समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपकी दुहाई देते हुए शुक्रिया के साथ, आदर सम्मान के साथ इन वचनों के माध्यम से आपके नजर में आते हैं। प्रभु जी, प्रभु हमारे ऊपर आपकी दया दृष्टि हमेशा बरकरार होती है। आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपके सारे प्रावधानों के लिए एक और बार धन्यवाद करते हैं। देववचन के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आपकी शरण प्रभु जी आगे बढ़ते रहे। आपकी पुत्र की अगर आगमन में देरी होगी तो फिर से 12 बजे कल शाम को मिलकर स्तुति प्रशंसा आराधना करने के लिए हम सबको जीवित और तंदुरुस्त संभाल के रखिए। अगर हमारे मिलने से पहले आपके पुत्र के आगमन बादलों के ऊपर संभव होगी तो स्वर्ग राज्य में शामिल करने के लिए आपसे विनम्र निवेदन करते हैं और दुआओं को सुनकर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं सुनकर कमल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।